<applause> <صغير> لأننا بدأنا الدورة في إسلام بعد، لذلك أنا مشغول جدا بهذه الدورة لأنا لذلك اس أنا مشغول ما مصروفه جدا بهذه الدورة إس وركشاب مي अशबा का अशबा का अशबा का नेटवर्क का मतलब ही है तो माजिलतू माजिलतू का मतलब अभी तक माजिलतू मुसाफिर मंजुलुस्बू पिछले हफ्ते हफ्ते से अलबू उ जाता है हफ्ते को अलमागी पिछला पिछले हफ्ते से अभी तक में सफर में हूँ मुसाफिरन सफर में हूँ फिर इस्लामाद क्योंकि हमने इस्लामाबाद में एक वर्कशॉप शुरू की है डिजिटल वालफेयर के उस से तो उसमें मशहूलियत कुछ ज्यादा है بدرس جديد نكرر الدرس السابق

قبل البدء بدرس جديد نكرر الدرس السابق آه قبل اسكي كي کہ ہم نئے درس کی طرف جائیں ہم اپنا پچھلا سبق پہلے ای نراجع الدرس السابق ہم پچھلا سبق دورا لیتے ہیں وکان ذلك الدرس هو الحياة yeah. الحياة اليومية جو ہمارا پچھلا سبق تھا وہ تھا الحياة <سؤال> اليومية اس عنوان سے ہمارا پچھلا سبق تھا तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन दिनों में इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस की होगी इसको होगा और ये जुमले आपको अस पर याद हो गए होंगे आपस में भी आप इसका घर में भी या मुझा करते, करते रहे होंगे और मजीद भी इसके अंदर नेट के ऊपर वो कैबल अल्फाज का जखीरा भी तलाश किया होगा जो मैंने जिस तरह से अलमुदिर अलमिया मैंने आपको बताया था किसके बारे में अल मुजकरतु अल अल मुजकरह अल वो डायरी छोटी जिसमें आप रोजमर्रा की अपनी बातें लिखें तो इसके ये मैंने आपके समय काम लगाया था कि उसमें आप वो जुमले के जिसको आप रोजमर्रा आप उसको देखें कि आपने वो जुमले लिखने हैं केपन पंखे को क्या कहते हैं बिस्तर को क्या कहेंगे इस तरह के अल्फाज आपने जमा करने रोजमर्रा तो आप जब ये अल्फाज जमा करेंगे आपके पास वो कैबलरी जमा हो जाएगी तो फिर आपको जब जुमला बनाना सिखाया जाएगा तो आप उसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे आपके पास अल्फाज होंगे तो आप उस जुमले को इस्तेमाल करेंगे तो जिस तरह के हम अल हयातमिया अपना जो दर्स हमारा चल रहा है कि रोजमर्रा की हमारे मामूल तो अब इस पर हमने पढ़ा था झाड़ू देने को क्या कहते हैं वैक्यूम यानी सफाई करने को क्या कहते हैं और जागने को क्या कहते हैं और इसी तरह बस को क्या कहते हैं गाड़ी को क्या कहते हैं तो ये सारे अल्फाज हमारे पास आ गए अब हम इसको जुमले में अगर इस्तेमाल करना चाहें क्या आप बस पर जाते हो तो तद हिलफिला क्या आप बस पर जाते हो तो इस तरह फिर हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं अब हमें पता होगा कि गाड़ी को अरबी में क्या कहते हैं असैार असैया गाड़ी को कहा जाता है तो अब अगर आप ये जुमला बताना चाहूँ उसको कि मैं गाड़ी पे जाता हूँ तो बिस सैारा मैं गाड़ी पे जाता हूँ तो इस तरह आपके पास अल्फाज होंगे ज़खीरा जमा होगा अल्फाज का तो आप ये चीज़ आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं जमले में इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपनी अरबी को मजीद आप जो है अच्छा कर सकते है तो लबकिरा तिलयमिया मीन मुजिर तिलयमिया जो छोटी डायरी है वो आपके पास होना ज़रूरी है जिसमें आप अल्फाज को नोट करें कि अरबी में इस चीज़ को क्या कहते हैं इस चीज़ को क्या कहते हैं हर चीज़ को आपको अरबी में उसका नाम आ, आता हो कि हम इसको अगर अरबी में कहेंगे तो अरबी में इसको किस तरह से कहेंगे फिर उसके बाद साथ हम जुमले इस्तेमाल करना भी सीख रहे हैं और इसके साथ साथ हम बेसिक ग्रामर भी हमने स्टार्ट कर लिया है अलहमदिल्ला और इन इसको हम मजीद आगे लेकर जाएंगे के इस के को किस तरह से हम आगे लेकर जा सकते तो अच्छा, हम अपना पिछला सबक जो हम हैं, इ, सबक को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे औ, या फिर नूरा जर सबक पिछला दर्स हम उसका मुराजा करेंगे यानी उसको दोहराएंगे एक मरतबा ताकि हम पीछे से उसके साथ कनेक्ट हो जाए और फिर आगे नए दर्ज की तरफ जाए तो वो भी हमारा जो मुतालिक है ये मुत्ल हैत्योम जो हमारा अगला जो सबक होगा वो भी इसी हयातल्योमिया से ही मुतिक है कि रोज़मर्रा की जिंदगी में हमारे मज़ीद कौन से जुमले किस तरह से इस्तेमाल हो रहे तो हमने अब आपके सामने स्क्रीन है स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये पिछला दर्ज जो हमने पढ़ चुके हैं हम इसको अल हयातल्योमिया अलवारी ये हमारा दूसरा खेवार चल रहा है आ, मकालमा चल रहा है इसको कन्वर्सेशन कह दीजिए हमारा दूसरी कन्वर्सेशन है आ, जो चल रही है अल अल आप सबको मालूम हो चुका है कि अरबी में अम्मी को अल उम कहा जाता है और उम्मी उम्मी जब इसके आगे छोटी या लगा देंगे आखिर में तो इसका मतलब मेरी उम्मी मेरी अम्मी अल उम अम्मी उम्मी मेरी अम्मी उम मोका आपकी अम्मी उमुका एक मुजक्र वाहिद है और उसको हम कह रहे हैं आपकी अम्मी अगर हम मुन्नस के लिए कहेंगे कि आप एक लड़की की अम्मी तो उसको कहेंगे उम मोकी तुम्हारी अम्मी तो उम उस एक मुजक्र है वाहिद है एक लड़के की या मर्द की अम्मी उमा उस एक लड़की या औरत की अम्मी तो इस तरह आप इसको मुख्तलिफ उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपने प्रनाउन uh, uh, इसको भी आपने पढ़ लिया है ज़मीरें जिसको कहा जाता है इनशा आज दोबारा हम उसको दोहरा लेंगे और uh, माजरत uh, रिकॉर्डिंग में कर ली है और रिकॉर्डिंग आपको भेज नहीं सका uh, कुछ सिग्नल्स का प्रॉब्लम था और कुछ लैपटॉप आगे पीछे था तो इन रिकॉर्डिंग हो गई है वो भी आपको शेयर कर दी जाएगी हुआ कि आज हम दोबारा से भी पढ़ लेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी अल उम यानी अम्मी कह रही है, हैं हैदा आदा की बहस भी आप पढ़ चुके हैं अरबी में किसको कहा जाता है का मतलब ये और ये इसम इशारा है हम जिस तरह उर्दू में भी कहते हैं कि ये छुट्टी का दिन है और किसी चीज़ की तरफ हम अगर इशारा कर रहे हैं तो इशारे के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज़ तो उसके लिए अरबी में करीब करीब चीज हो और मजक्कर हो और वाद हो यानी एक हो उसके लिए इस्तेमाल होता है हजार का मतलब ये एक चीज जो मुजक्कर है और करीब है और, है और एक है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हम इनशा आगे जाकर का, तिलकर का भी हम पढ़ेंगे और हजरा को भी हम दोबारा से दोहरा लेंगे ताकि आपको आ, ये पक्का हो जाए तो है ये छुट्टी का दिन है ये छुट्टी का दिन है अल अब अब अल अब, अब आपको पता है अरबी में अबू को क्या कहा जाता है अल अब अल अब अब जब हम कहेंगे मेरे अबू तो इसको हम अरबी में कहेंगे अभी। इसके आखिर में या लगा देंगे तो इसका मतलब मेरे अबू अभी, यानी मेरे अबू अब आगे वाले को अगर हम कहना चाह रहे हैं कि आपके अबू तो इसपे थोड़ी सी चेंजिंग होगी उसमें हम ये कहेंगे अबू का अबू का बाघ के बाद वाओ लगाएंगे और फिर काफ लगाएंगे अबू का यानी आप एक मर्द के अबू अगर हम के लिए कहेंगे सामने एक मुनस है, है उनको हम कह रहे हैं कि आपके अबू तो उसके लिए कहेंगे अबू की अबू की यानी आप एक लड़की के अबू अगर हम थर्ड पर्सन के लिए कह रहे हैं कि उस एक मर्द का अबू तो उसको कहेंगे अबू हो अबू हो के बाद वाऊ लगा देंगे और हा एक आंख वाली हा अबूहू यानी उस एक आदमी का अबू अगर हम कहना चाहें उस एक औरत का अबू या उस एक लड़की का अबू तो हम कहेंगे अबू हा तो आंखों वाली हा और अलिफ अबू हा तो ये भी आप साथ साथ इसकी भी प्रैक्टिस किया करें इन जुमलों को इस तरह से इस्तेमाल किया करें ताकि ये भी आप बोलने में आपको आसानी होगी अल अब अबू अब अबू कह रहे हैं हैली हैद यो मुलाम अली अच्छा छुट्टी को हम क्या कहेंगे यौमुल यउमलाउतलती छुट्टी का दिन और काम का दिन काम का दिन यौमुल अमली हादा ये यौमुल अमली काम का दिन है अलुम। अब अम्मी कह रही है सतफ आलू या ए तारिक आप क्या करोगे मैद क्या सतफअलु सतफअलु अब तफ आलू है यह असल में तफ आलू यही आप क्या करोगे एक मर्द मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है सीन जो इससे पहले लगी लग है सतफ आलू इसका मतलब है कुछ देर के बाद यानी अभी नहीं आप क्या कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं होगा मैं सतफ आलू या तारे के आप क्या कर रहे हो ए तारे इसका मतलब ये नहीं होगा इसका मतलब होगा सतफ आलू आप क्या करोगे यानी अभी नहीं हाल में नहीं आपने अभी थोड़ी देर के बाद क्या करना है यानी आज के दिन में आप क्या करोगे अच्छा तारिक ए तारिक आप क्या करोगे तारिक अब कह रहे जुलूस सअकनुसु अब अकनुसु कहना सा यकनुसु झाड़ू देना वैक्यूम करना सफाई करना इसका मतलब है सअकनुसु सअकनुसु का मतलब सअकनुसु मैं सफाई कर दूंगा गुरफतल नौम गुरफतल जुलूस गुरफतल जुलूस, जुलूस यानी जो हमारा डाइनिंग रूम है जो हमारे बैठने का कमरा है मैं उसकी सफाई करूंगा अब अल उम उम पूछ रही है अम्मी पूछ रही है वह मैजा सतफ अली फोक वतफ अलीना अब ये मुन्नस के लिए है. सतफ आलो मुजक्र के लिए कि तुम क्या करोगे यानी तुम एक मर्द क्या करोगे अब फीमेल के लिए हम जब पूछेंगे किसी लड़की से कि आप क्या करोगी उसके लिए हम कहेंगे सतफ अलीन क्या मादा का मतलब माजा भी हम पढ़ चुके हैं महजा ये क्या है और माजा मादा का मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस uh, है मतलब uh, इस्तेफामिया जिसको कहा जाता है क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है वो मैदा मैदा का मतलब क्या सतफ आलीना सतफ आलीना आप करेंगी यानी आप क्या करेंगी या फातिमा है फातिमा अब फातिमा कह रही है सअकनुसुर फतनौ सअकनुस मैं वैक्यूम करूंगी या झाड़ू दूंगी या सफाई करूंगी इसका कोई भी आप मानी कर सकते हैं गुरफतन नौम सअकनुसु अब गुर्फतन्नौम। गुर्फतन्नौम कहा है, आप इसको बेडरूम कह दीजिए या सोने का कमरा कह दीजिए जो हमारी नींद का कमरा है मैं अपने बेडरूम की या बेडरूम की सफाई करूँगी अहमद आप क्या करोगे कह साखसिलू ल्मलाबिस। साखसिलू ल्मलाबिस। इसका मतलब है धोना मैं कपड़े। मैं कपड़े उम रहे मैं अब आपके पास नए नए जुमले नए नए अल्फाज आ रहे हैं जखीरे आ रहे हैं आप इसको याद करें कि स्त्री करने को क्या कहते हैं अरबी में सकवी मैं स्त्री करूंगा या करूंगी ये मुजक्कर और मुनस मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है सकवी मैं स्त्री करूँगा या करूंगी अल मलाबिसा कपड़े अलजदतु अलजद हमने मैंने आपको बताया था कि अरबी में दादी को अलजदतु कहा जाता है जद्दती मेरी दादी ठीक है तो अल्जदू दादी अन बर्तन धोगी अलजद यानी दादा अलजद दादा को कहा जाता है वो कह रहे हैं हो वह मैं कुरान की तिलावत करूंगा तो ये हमारा पिछला दरसा इसको हमने दोबारा से दोहरा लिया ताकि हमें आ, इसके साथ अटैच हो जाए कनेक्ट हो जाए फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो आगे कुछ त, तस्वीरें आपको नजर आ रही है इसमें अलमुफरदत यानी आपको मुफरत कुछ जुमले और कुछ आसमां दिखाए गए हैं आपको आ, कुछ वर्ड हैं जो आपको आ, तस्वीर के साथ नजर आ रहे हैं आमल यौमुल आमल यौमुल आमल किसको कहा जाता है यानी काम का दिन यौमुल उतला यौमुल औतलती यानी छुट्टी का दिन अफब बर्तन अफब बर्तन को कहा जाता है यकनुसु यकनुसु अब वो वैक्यूम कर रहा है बंदा तो सफाई करने को या कहा जाता है यानी वो सफाई कर रहा है वैक्यूम कर रहा है झाड़ू दे रहा है मलेबिस कहा जाता है कपड़े यकसिल का मतलब धोना यानी वो धो रहा है यकवी यकवी का मतलब वो स्त्री कर रहा है तो ये आपके पास मुख्तलिफ अल्फाज जुमले आ गए अच्छा हम आगे चलते हैं मजीद अच्छा अब आपके पास कुछ चीजें और भी आ रही हैं अच्छा यहाँ हम आ जाते हैं अल अलवार हमारा तीसरी कन्वर्सेशन हमारा तीसरा अवाल अब इसको देखिएगा आप इस दर्ज को आदिल अब आदिल कह रहे हैं आदिल क्या कह रहे मतलौतलती यानी आप छुट्टी के दिन कब उठते हैं कब नींद से बेदार होते हैं अच्छा ये आपने पढ़ लिया था इस नींद से उठने को कहा जाता है यानी आप कब उठते हो अच्छा ये मुजक्कर के लिए है मता मता का मतलब कब मताजू कब, आप उठते हो युमल उतलती छुट्टी के दिन यानी छुट्टी वाले दिन आप किस टाइम उठते हो अगर हम इसको फीमेल के लिए कहें, कहेंस के लिए कहना चाहें तो उसके लिए हम कहेंगे मता तुम छुट्टी के दिन किस टाइम उठती हो किस टाइम बेदार होती हो तो अब इसको हम अरबी में भी हम इस्तेमाल कर सकते मुनस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुजक्कर दोनों का आपने इस्तेमाल जान लिया मता तस्तु ये मुजक्र के लिए है कि तुम कब उठते हो औरस के लिए मता तस् हम कब उठती हो उतलती छुट्टी के दिन अब आगे यानी आप बताना चाह रहे हैं कि मैं जल्दी उठता हूँ तो जल्दी उठने को अरबी में कहते हैं मोबकिर रन मैं उठता हूँ मोबकिरन जल्दी उठता हूँ वमता मतः तस्त वमतांत और आप कब उठते हो वमता और कब तस्तो आप उठते हो अंत आप आदिल कह रहा है अस्तो मुता मैं लेट उठता हूं मैं देर से उठता हूं मुता देर से उठने को कहा जाता है फैसल अब फैसल पूछ रहा है वह तफ आलूफी सबाह और सुबह को तुम क्या करते हो मैदा क्या तफ आलू तुम करते हो फिर सबाह सुबह के वक्त में मैदा मादा का मतलब क्या तफ आलु तुम करते हो फिर सुबह में तो अगर हम इसको मुन्नस के लिए कहें तफ आबा सुबह के वक्त आप क्या करती हो अब आदिल जवाब दे रहे हैं उषाहीद तिल्फज उषाहीदू अब हमने पीछे भी पढ़ा था उषाहीदू किसको कहा जाता है उषाहीदू मैं देखता हूँ उषाहीदू अना मैं देखता हूँ अब आपके पास एक नया लफ्ज आ रहा है अ التلفاز تلفاز कहा जाता है टीवी को मैं टीवी देखता हूं उशाहुदुत तिलफाज मैं टीवी देखता हूँ वमादा तफअलु अंत और तुम क्या करते हो और तुम क्या करते हो ये مذکر के लिए वमादा तफअलु अंत और तुम क्या करते हो इसको अगर हम फीमेल مؤنس के लिए कहें तो वमादा तफअलीना अंती वमादा तफअलीना अंती और आप क्या करती हो अब फैसल जवाब दे रहा है अक्रा किताबन किताबन मैं अखबार पढ़ता हूँ या किताब पढ़ता हूँ तो अखबार को सहीफ़ा भी आप कह सकते हैं आर्टिकल को भी कह सकते हैं तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है अख़राऊ में पढ़ता हूँ सही अखबार अव किताबन जी आवाज आ रही मेरी आवाज आ रही मेरी कोई साथी बता दे आवाज आ रही जी आवाज आ रही आवाज

अन तुसलिन जुमा आप जुमा कहाँ पढ़ती हो अब फैसल जवाब दे रहे उसल जुमा फिल मस्जिद कबीर उसल जुमा फिल मस्जिद कबीर मैं जुमा की नमाज बड़ी मस्जिद में पढ़ता हूँ अल मस्जिद अल कबीर बड़ी मस्जिद कबीर कहते हैं बड़े को यानी अल मस्जिद अल कबीर बड़ी मस्जिद उसली मैं नमाज पढ़ता हूँ अलजुमा जुमा की फिल फी फी का मतलब मैं अलमस्जिदिल कबीर बड़ी मस्जिद में यानी पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ अगर मानने से हो गए जुमा फिल जुमा की नमाज घर में पढ़ती हूँ वोली अंत और आप कहाँ पढ़ते हो नमाज वो न तुसली और आप कहाँ पढ़ती हो नमाज अब आदिल कह रहा उजिदिल कबीर उसली फिल मस्जिदिल कबीर अबन मैं भी बड़ी मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ता हूँ मतलब भी यानी आल्सो यानी भी मैं भी बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ मैं भी बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ तो आपके पास एक और नया लफ्ज है ऐवन का मतलब भी है कबीर फिल्मीरीवन मैं भी बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ तो ये आपके सामने ये जुमले आ गए नए जुमले हैं और इसको आपने प्रैक्टिस करनी है और पिछले दस की भी प्रैक्टिस करनी है और योमिया के अतबार से आपकी जो अल्फाज हैं ज़ख़ी है, है जुमले हैं ये आपके पास जमा हो रहे हैं तो इनको आपने दोहराना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है इसके बारे में मज़ीद भी मैं आपको इन शवाद है वो भी सेंड कर दूँगा वो भी आपको मिल जाएगा इन श साथ हम हादा का दर्श दोबारा थोड़ा सा दोहरा लेते हैं ये हम जल्दी जल्दी पिछला दर्श हम दोहरा लेते हैं ताकि हमें ये चीज हमारे जहन में याद हो जाए अवल, पहला हमारा था हादा हादा का मतलब ये हर वो चीज जो सामने हो करीब हो वाहिद हो और मुजक्कर हो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम हैद का इस्तेमाल करते है। सामने हैं सामने हमारे करीब है बिल्कुल है यानी एक है और मुजक्कर है उसके लिए हम कहेंगे हैद हैद मतलब ये अच्छा अब हम इसका इस्तेमाल करना जानते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल करेंगे भाई तुन ये घर है ये घर है मस्जिदुन ये मस्जिद हैदा मस्जिद उन ये, ये, ये मस्जिद है हैद किता ये किताब है ये किताब है अच्छा देखते हैं चाबी है, कुरसी। ये, कुरसी है। कलम। ये कलम है मकतब। ये डेस्क है ये चारपाई है या बेड है दोनों के लिए सरीर उनका लफ्स अरबी में इस्तेमाल होता है बेड है अच्छा अब हम आगे देखते हैं महजा और अहादा महदा यानी इंटरोगेटिव जुमला बना रहे हैं महजा ये क्या है अहादा क्या ये आ का मतलब क्या हाद क्या ये मद ये क्या है तो अब हमें इनका इस्तेमाल करना जानते हैं महरा मतलब ये क्या है हादा महद ये क्या है तो ये घर है अब हम अहादा का इस्तेमाल सीखते हैं अहादा को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे अहद शरीर क्या ये बेड है ल नहींद कुर्सी ये कुर्सी है मिफ्ताह ल नहींदन ये पेन है? नहीं, है अब लिहाजा की कुछ मशक है इनशाला आप करेंगे मै तो इसको आप बताएंगे कि ये क्या चीज है मै हैद ये क्या है स्टार है सितारा है तो इसको अरबी में क्या कहेंगे हैजम ये सितारा है अब इस तरह मुख्तलिफ इनकी जो है तदरीबात है यानी एक्सरसाइजेज है अदमुन क्या ये सितारा है तो यहां आप देख रहे हैं हम कहेंगे ल हैद कुर्सी ये कुर्सी है अहदा कमी सुन क्या ये कमीस है तो हम कहेंगे नाम हाँ अहदा कमी सुन हाँ ये कमीस है तो इसी तरह अहदा नजमुन क्या ये सितारा है तो हम कहेंगे तो ला अहदा मस्जिदुन नहीं ये मस्जिद है अहदा मिफ्ताहुन क्या ये चाबी है तो ये चाबी है तो हम इसको अरबी में कहेंगे नाम हाँ अहदा मिफ्ताह ये चाबी है तो हादा का इस्तेमाल अहदा का माहा का माह हम जब इस्तेमाल करेंगे महाजा ये क्या है तो ये गैर जवील उकूल यानी इंसान के अलावा जितनी भी चीजों के बारे में हम सवाल करेंगे तो उसके बारे में कहेंगे मादा ये क्या है यानी मस्जिद का पूछना है घर का पूछना है बिस्तर का पूछना है किसी जानवर का पूछना है तो उसके बारे में हम कहेंगे महादा ये क्या है लेकिन किसी इंसान के बारे में जब हम पूछेंगे कि ये कौन है तो उसके लिए हम कहेंगे मन मनहदा ये कौन है वो इज दिस ये कौन है तो इसका हम इस्तेमाल देख लेते हैं मन हैद ये कौन है तबीबन ये डॉक्टर है तो अरबी में तबीबन भी कहते हैं भी कहते हैं डॉक्टर को कहा जाता है कोदूर ये डॉक्टर है मन हैद ये कौन है वाल ये लड़का है अरबी में लड़के को वाल कहा जाता है मन हैद ये कौन है हैदुल ये आदमी है तो आदमी में राजुलून कहा जाता है और औरत को कहा जाता है तो हम जब हैदी का इस्तेमाल पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे हैदी ही इमरात ये औरत है मैन हैदी ही ये कौन है तो हम हादा की जगह हैदी ही लगा देंगे तो इसका मतलब मोहनस फीमेल के बारे में हम पूछ रहे हैं मैन हैदी ही ये कौन है यानी यहीस के बारे में पूछ रहे हैं तो हम कहेंगे है ही ये औरत है मन है ये कौन है पॉलीबुन, ये स्टूडेंट है तो अगर हम मोहनस के लिए पूछना चाहेंगे तो हम कहेंगे मन है ही? ये कौन है तुन ये तालिब इमा है स्टूडेंट है मन हैद ये कौन है ये बिजनेस मैन है ताजर है तो महदा का इस्तेमाल और मनदा का अब हमने कहा था कि इंसान के लिए मन इस्तेमाल करेंगे इंसान के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम सवाल करना चाहेंगे तो माँ इस्तेमाल करेंगे तो अब जानवर हैं जिस तरह इनके लिए पहले हमने इमारत के लिए मस्जिद घर और कलम कुर्सी बैठ के लिए भी जुमले इस्तेमाल किए अब हम जानवर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो मै ये क्या हैदल कुत्ता है मैं ये क्या है हैदा कितुन ये बिल्ली है मा हैदा ये क्या है हैदा हिमारुन ये गधा है तो आपके पास अल्फाज भी आ रहे हैं कि गधे को अरबी में क्या कहते हैं हिमारुन मा हैदा ये क्या है हैदा हिसानुन हैदा हिसानुन ये घोड़ा है मा हैदा ये क्या है हैदा थीकुन ये मुर्गा है मा हैदा ये क्या है हैदा जमलुन ये ऊंट है तो ये आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज भी आ गए तो उम्मीद करता हूँ आपका पिछला दर्श भी दोबारा से हमने दोहरा लिया और मज़ीद आगे भी इन हम इसको पढ़ेंगे और आगे की तरफ भी हम जाएंगे हमने नया दर्श भी पढ़ा है और इसके साथ साथ हादा के दर्श भी हमने पढ़ लिया और इसके बाद हम दैलिका और पिल्का का इस्तेमाल पढ़ेंगे और जो हमने हुआ हमां हुम, और हम हु की जमीरें हैं वो इनशाला कल के दफ़्स में हम उसको भी दोबारा से पढ़ लेंगे मुजक्कर की हम पढ़ चुके थे तो मुजक्कर की भी हम दोहरा लेंगे और साथ मुआनस की भी हम पढ़ लेंगे तो वो भी आपके साथ साथ मुकम्मल हो जाएगा और इन आप इस दफ्स को भी याद करें और इसकी प्रैक्टिस करें और कुछ साथी कह रहे थे कि पिछला एक दरस है वो रह गया है वो आपको भेजा नहीं है तो इन मैं देखता हूँ वो मैं भेज देता हूँ सेंड कर देता हूँ और किसी साथी ने कोई सवाल करना हो तो वो सवाल कर सकते हैं कोई पूछना हो अच्छा सर एक क्वेश्चन है कि ये जो बुक से आप पढ़ाते हैं ये मिल जाती है इधर आसानी से जी अल अरबिया बैन यदई के नाम से है और ये आप पता कर लें अल बेरूत का मिल जाए छापत तो अच्छा है वो आप ले लें अल अरबिया बैन यदई अगर इधर लाहौर से मिल जाएगी सर उर्दू बाजार से जी जी पता कर ले वहां जहां अरबी कुतुब मिल रही हो वहां से मिल जाएगी अल नहीं जा जी 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 और किसी का कोई क्वेश्चन कोई सवाल हलमिनसोलिन हल लदई का क्या आपके पास कोई सवाल है हल मिन सुन क्या कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में काफी है हमारी जूम मीटिंग का टाइम भी खत्म होने वाला है तो इन कल के दर्ज में मिलते हैं और किसी का को कोई भी सवाल हो तो पर्सनल में मैसेज में करके रबता कर सकते हैं जजाकल्ला खैरन इनशा मिलते हैं हम सनल तकी فيما بعد إن شاء الله سنلتقي غداً إن شاء الله في الفصل مع السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته